क्या उठती है जब उस बच्ची का वीडियो देखती है। तो वहाँ पे बोला गया कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कि एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और दैट क्लोज टू अबाउट 70-80 मार्क्स हैव बीन अवार्डेड इन ग्रेस मार्क्स रैंडमली टू एटलीस्ट 1500 स्टूडेंट्स। So our petition is different from the other petitions, where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. आज एक मुद्दा पहले से यहाँ पे था, वो मुद्दा 1 जून का था, जो कि नीट के रिजल्ट के पहले ही यहाँ पे मुद्दा पीआईएल था, वो भी नीट के रिजल्ट के पहले का एक पीआईएल यहाँ पे था 1 जून का। और उसके अंदर कोर्ट ने बोला है कि सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और उसके अंदर उन्होंने ये बोला है तो। पर ये जो मुद्दा 1 जून का था ये सिर्फ पेपर लीक का था, क्योंकि रिजल्ट आए नहीं थे, तो इसके अंदर ग्रेस मार्क्स की बात नहीं हुई इस मुद्दे के अंदर। 1 जून को कुछ बच्चों ने जो पीआईएल कर रखी है ये अराउंड थी पेपर लीक के, बच्चों ने की है राइट सर, तो पेपर लीक की थी, तो उसपे जो अंदर बोला गया कोर्ट नंबर 12 में केस था, तो वहाँ पे बोला गया कि सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कि एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और एनटीए से इसके लिए एक ऑफिशियल जवाब मांगा है और बोला है कि 8 जुलाई को आगे इसको देखेंगे। हमारा मुद्दा अभी हमारा जो इश्यू है वो अभी कल हमारा जो इश्यू है वो कल लिस्ट होगा, मेंशनिंग के लिए आज हम लोग ने किया है तो कल लिस्ट होगा और देखते हैं। अभी जो करंट है इसके अंदर इसे पेपर लीक का मुद्दा था, ये एग्जाम के रिजल्ट के पहले लिस्ट हो गया था, तो इसलिए अब जाके उस पर आज पहली हियरिंग थी, तो 1 जून को ही आ गया था, जबकि रिजल्ट आपके 5 तारीख को आए हैं, तो ये पहले से 4 तारीख को आए, तो 1 जून को इसको लिस्ट कर दिया था, इस पर अभी सुनवाई। पर इसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई, अभी ग्रेस नंबर की कोई बात नहीं। हमने जो भी आईएल फाइल की उसमें हमने ग्रेस नंबर की बात की है, पेपर लीक की, दोनों चीजों की बात की है। तो खैर इसी मुद्दे पे अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लगता है सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दे हैव आस्क्ड एनटीए टू रिप्लाई। Our petition is slightly different. I represent, along with Mr. Rohit Jain, we represent Mr. Alak Pandey, and who has collected signatures from about 20,000 students, which clearly shows, matlab students ko clearly samajh mein aa raha hai aur unko jawab bhi mila hai, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1500 students. So our petition is different from the other petitions, where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है, दे बिकम ऑल इंडिया रैंक नंबर 1, ऐसे भी हो चुका है। सो व्हाट वी हैव टोल्ड द कोर्ट दैट देयर इज अ वेरी क्लियर इशू हियर, द थिंग इज सिंस द मैटर वाज नॉट लिस्टेड बिफोर द कोर्ट टुडे, द कोर्ट इज ओनली सेड आप रजिस्ट्री में मेंशन करके इसको लिस्ट करा दीजिए, सो आई थिंक बाय टुमारो द मैटर शुड बी लिस्टेड। हमारे मैटर्स के पहले जो मैटर्स लिस्ट हुए थे उसमें ऑलरेडी नोटिस इश्यू हो चुका है, सो द कोर्ट इज इंडिकेटेड दैट आर मैटर विल ऑल्सो बी टेकन अप विद द अदर मैटर्स एंड उसमें भी नोटिस इश्यू हो जाना चाहिए।